मधेपुरा जिला मंडलवाद की जन्मस्थली, ऋषि श्रृंग और बाबा विशु की तपोभूमि, भूपेंद्र नारायण मंडल, आचार्य कृपलानी, बीपी मंडल, शरद यादव, लालू यादव, पप्पू यादव जैसे राजनेताओं की कर्मभूमि 9 मई को अपना 43वां स्थापना दिवस मना रहा है। मधेपुरा की चर्चा देश और विदेशों में भी सबसे अधिक मंडल आयोग को लेकर होती है, क्योंकि मंडल आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल मधेपुरा के ही रहने वाले थे। आज मधेपुरा विकास के दौर में देश के अग्रणी जिलों से प्रतिस्पर्धा करने को तैयार है। इस जिले से 2 नेशनल हाईवे गुजरती है। यहाँ ही देश की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन बनती है। यहाँ विश्वविद्यालय है, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है। एक जिले के लिए इससे अधिक और क्या हो सकती है। लेकिन सब कुछ होते हुए भी हर वर्ग के लोगों को यहाँ बहुत कुछ की कमी नज़र आ रही है। हम जहाँ पहुँचना था हमें, हमको लगता है अभी भी उसमें देर है। मधेपुरा के ऊपरी तौर से तो विकास हुए है, यहाँ जिला मुख्यालय के साथ साथ विश्वविद्यालय का मुख्यालय है, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, विद्युत रेल कारखाना है, स्लीपर फैक्ट्री है, यानी राष्ट्रीय स्तर की बाहरी तौर से। लेकिन अंदर की बात है, जो इतनी जो आबादी यहाँ बढ़ी है उस अनुरूप यहाँ न तो जन सुविधाएँ हैं, न यातायात है, यानी किसी तरह की जो बुनियादी सुविधाएं होती है आम लोगों के लिए पूर्णतया मयसर नहीं अभी तक हुआ है। कि मधेपुरा का अपना गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, यहाँ के लोग काफ़ी संघर्षशील रहे हैं, मेहनती रहे हैं और समाजवादी सोच के रहे हैं, और यही कारण है कि यहाँ के लोगों के संघर्ष के बदौलत जो सब कुछ हासिल हुआ है। यहाँ मेडिकल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, रेल इंजन कारखाना है, लेकिन सभी चीज़ों में एक कमी रह गई है कि सब कुछ दे तो दिया गया है लेकिन ईमानदार प्रयास नहीं किया गया। दिया गया है लेकिन उसको सुचारू रूप से चलाने की प्रयास नहीं की गई है। यही कारण है कि आज मेडिकल कॉलेज है, बड़ा बड़ा भवन है, उसके बावजूद वहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, सभी प्रकार के जांचों की सुविधाएं नहीं है। पेशेंट का जो है सो आप प्रतिदिन आप ऐसे सुनिएगा कि लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार वहाँ पे बरता जा रहा है। यहाँ यूनिवर्सिटी है लेकिन यहाँ पे शिक्षा की जो लचर व्यवस्था है वह सब जानते हैं। यहाँ पे रेल इंजन कारखाना है, बड़ा रेल इंजन कारखाना है, लेकिन उसको असेंबल सेंटर बना करके रख दिया गया है। और हालात यह है कि यहाँ के हज़ारों लोग को भी वहाँ पे रोज़गार नहीं मिला है। और आप देखिए कि यहाँ एक रेलवे स्टेशन भी है, और हम कहेंगे कि यह रेलवे स्टेशन जो दिया गया है केवल पटरी मात्र है। यहाँ पे ट्रेन की सुविधा के नाम पर केवल पटरी बिछाया हुआ है। यहाँ के लोग अभी भी ट्रेन के सुविधा से वंचित हैं। इसमें यहाँ के जनप्रतिनिधियों को और जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उन लोगों को मधेपुरा पर ध्यान देना चाहिए, और मधेपुरा के लोगों ने जो इस देश को, जो इस राज्य को दिया है, उसमें इसकी भी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। क्या आप विद्युत सेवा से बाधित हैं या बिजली बिल से परेशान हैं? तो टेंशन नहीं लीजिए, आज ही अपने छत पर सोलर लगाइए और निर्बाध बिजली पाइए, साथ ही बिजली बिल से भी मुक्ति पाइए। तो देर किस बात की, चले आइए मधेपुरा के तानवी इंटरप्राइजेज में।